देखिए भैया, तो सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन कनेक्शन विद द वेव मोशन, ध्यान दीजिए, लिखिए मत, ठीक है, घर पे लिखिएगा, ठीक है। सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन इन कनेक्शन विद, सम डेफिनेशन इंपोर्टेंट रहेगी, डेफिनेशन इन कनेक्शन विद वेव मोशन। भैया वेव मोशन में कुछ टर्म्स यूज होती है, कुछ डेफिनेशन यूज होती है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन है भैया एम्पलीट्यूड, क्या है एम्पलीट्यूड, होता क्या है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मिड पोजिशन, क्या है ये मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, मीन पोजिशन, कह रहा भैया जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसकी मीन पोजिशन से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया एम्पलीट्यूड कहते हैं। मान लीजिए ये आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो वो वाइब्रेट करता हुआ सबसे ज्यादा दूर यहां पर गया, ये मीन पोजिशन है, क्या है भैया मीन पोजिशन, ठीक है, तो ये मीन पोजीशन है, ठीक है भैया, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो इस वक्त पार्टिकल इस मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूरी पर है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया एम्पलीट्यूड, क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, क्या होती है मीटर एम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टाइम पीरियड, सेकेंड है आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वेव को जितना टाइम लगता है वही क्या कहलाता है भैया टाइम पीरियड, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय बाय पार्टिकल, पार्टिकल टू कंप्लीट, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को करने में जितना टाइम पीरियड लगता है उसी को क्या कहते हैं भैया टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेव यहां से गई, यहां पर वापसी आ गई, यहां पर टाइम क्या था जीरो था, और यहां तक आते टाइम क्या हुआ, जो भी हुआ उसे को क्या कहेंगे भैया टाइम पीरियड, यहां से यहां पर जो टाइम हुआ वही क्या लगता है टाइम पीरियड, और एसआई यूनिट क्या होती है सेकेंड, क्या होती है सेकेंड। उसके बाद आता है भैया फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको एफ से भी लिखते हैं और म्यू से भी लिखते हैं, मर्जी आप, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी भी ऑसिलेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, इसकी दूसरी डेफिनेशन है रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, 1 सेकेंड में जितनी ऑसिलेशन होती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लीजिए इफ अ वेव ऑसिलेट 100 टाइम इन 1 सेकेंड, इट मींस इट्स फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी इज क्या है भैया 100 हर्ज, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी एच ई आर टी जेड, हर्ज या एच जेड लिखते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, ठीक है, ये होता है। उसके बाद आता है भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फोर्थ है आपका, जल्दी से कीजिए इसे 1 मिनट के अंदर, एफ और न्यू, एफ और न्यू, जल्दी से करो भाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
कौन सी है चौथी ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसका एक और नाम है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से लिखते हैं। ध्यान दीजिए भैया, समझिए इस चीज को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं और एंगुलर वेलोसिटी क्यों कहते हैं, इसका ध्यान दीजिए भैया। तो ये पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वाइब्रेटिंग पार्टिकल जितना भी एंगल सबटेंड कर लेता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। या 1 सेकेंड में जितना भी एंगल कोई चीज ट्रेस करती है वही क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने बोला भैया कि एक पार्टिकल है जो 4 मीटर 1 सेकंड में चला, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही मैं बोलूंगा एक पार्टिकल है जो 50 डिग्री का एंगल 1 सेकंड में ट्रेस किया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 50 डिग्री पर सेकेंड। या एंगल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 50 फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए दोनों एक ही चीज है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है भैया। तो एंगल एंगल सबटेंडेड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल पार्टिकल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल एंगल बनाता है, एंगल सबटेंडेड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। मान लीजिए थीटा रेडियन एंगल इसने T सेकेंड में बनाया, कितना बनाया, तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगा, यूनिटी मेथड आपको आता है, तो सेकेंड को यहीं पर रखिए, तो 1 सेकेंड बराबर में क्या हो जाएगा आपका, थीटा रेडियन अपॉन में 1 सेकेंड, यही जाएगा, ठीक है। तो यही कहलाता है भैया थीटा, सॉरी टी। तो भैया आपको पता है थीटा अपॉन में टाइम, थीटा अपॉन में टाइम क्या होगा भैया, 1 सेकेंड का एंगल है, 1 सेकेंड का एंगल है, और इसी 1 सेकेंड के एंगल को हम एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा अपॉन में टाइम या डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ध्यान दीजिए भैया, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करता हूं तो एक कंप्लीट साइकिल में थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई, और टाइम कितना होता है, कैपिटल टी, याद है। एक कंप्लीट साइकिल की बात करूंगा तो कुल कितना थीटा बनाता है वाइब्रेटिंग पार्टिकल, 2 पाई का, पाई 2 पाई, तो यह ऐसे आता है पाई, ऐसे आता है पाई, फिर 2 पाई, 2 पाई का एंगल हो गया एक कंप्लीट साइकिल में, और टाइम कितना होता है, तो कैपिटल टी होता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, 2 पाई, इसे लिख दीजिए 1 बाय में कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू में, ये भी फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी या 2 पाई, ये क्या होता है भैया, 1 बाय में है, ये क्या होता है भैया, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी के या एंगुलर वेलोसिटी के आपके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है भैया। कुछ नहीं है भैया, 1 सेकंड में जो भी एंगल सबटेंड करेगा वाइब्रेटिंग पार्टिकल वही क्या कहलाएगा भैया, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला भैया 1 सेकंड में 100 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका मतलब उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 डिग्री पर सेकेंड। या एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 100 रेडियन या सॉरी 100 डिग्री पर सेकेंड, एक ही चीज है। अगले टर्म में फिर अब यह वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ये है फिफ्थ वेव लेंथ। तो भैया आप लोग लैम्डा से लिखते हैं इसको, ठीक है ये लेंथ। अब ये कौन सी लेंथ है, तो भैया एक साइकिल में, या आपने ये भी पढ़ा होगा, इट इज द सेपरेशन इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड क्रस्ट एंड ट्रफ एंड ट्रफ, ठीक है। या फिर नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन है, एक साइकिल में वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है, वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है उसी को उसकी वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है भैया। तो इट इज दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 साइकिल। मान लीजिए वेव ने यहां से स्टार्ट किया और यहां पर खत्म हो गया, तो ये वाली दूरी को ही हम क्या कहते हैं भैया, वेवलेंथ कहते हैं। या फिर कई और छोटी बुकों में, मतलब कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये एक वेव है,
ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन क्या कहलाता है? ब्रिव्लेट कहलाता है। ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन क्या होगा? तो ये सारी चीजें क्या है, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री। तो लैम्डा वन बराबर में लैम्डा टू बराबर में लैम्डा थ्री, सब आपस में क्या होती है भैया, बराबर होती है। तो क्या रखा है भैया, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन साइकिल। एक साइकिल में जितना भी डिस्टेंस वेव कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेवलेंथ कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होगी, क्योंकि लेंथ है तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर ही होगी। क्या होगी? मीटर। ठीक है, जल्दी करो भैया। मान लीजिए मैंने क्या किया, वेव नंबर मैं बता रहा हूं, वेव नंबर आपने सुना नहीं होगा शायद, इसके बारे में सुना है केमिस्ट्री केमिस्ट्री में सुना होगा लेकिन समझ में नहीं आया होगा क्या होता है इसका मतलब, बताता हूं भैया। देखिए मान लीजिए 1 मीटर का डिस्टेंस है, क्या ये 1 मीटर के डिस्टेंस में कितनी साइकिल बन गई, यहां से यहां तक का 1 मीटर का डिस्टेंस है, और इसमें कितनी साइकिल होगी, एक दो तीन और चार। तो इसमें वेव नंबर क्या होगा भैया, चार होगा। क्या होगा, समझ गए भैया? तो एक यूनिट डिस्टेंस में जितनी भी वेव्स आती है वही क्या कहती है, वेव नंबर। अच्छा 1 मीटर में कितनी वेव आई है बताइए, कितने कितनी, ठीक है ये क्या होगा लैम्डा, कितना लैम्डा है, एक लैम्डा, दो लैम्डा, तीन लैम्डा, चार लैम्डा। यानी एक यूनिट डिस्टेंस में, यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, उनमें जितनी भी वेव्स आती है वही क्या कहलाता है भैया, वेव्स। डेफिनेशन क्या, द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव इन यूनिट डिस्टेंस, इन यूनिट डिस्टेंस, और नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव इन पर यूनिट लेंथ, और पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में या यूनिट डिस्टेंस में जितनी भी वेव्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेव नंबर कहते हैं। ध्यान दीजिए भैया, तो जैसा कि हमें पता है भैया क्या हो गया, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 बाय में लैम्डा, 1 बाय में लैम्डा। वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय में लैम्डा। ठीक है भैया, ये कैसे आया? तो इसको अगर आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी देख लो, 1 मीटर के अंदर कितनी वेव आ रही है, चार। तो अब देखिए ये निकल जाएगा, मान लीजिए भैया 1 मीटर की वेव है, ध्यान दीजिए अगर इसमें चार, दिमाग लगाना ठीक है भैया, अगर 1 मीटर के अंदर चार वेव आ रही है तो इसका मतलब एक वेव की वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, 0.25 मीटर। क्या है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 0.25, तो क्या आ गया, चार ही तो आ गया, समझे नहीं समझी? अब 1 मीटर में कितनी वेव है, चार वेव है, एक वेव की लंबाई कितनी है यानी वेवलेंथ कितनी है, 0.25 होगी ना, 0.25, 0.25, 0.25, 1 मीटर बन गया ना। ठीक है भैया, तो इसका मतलब एक वेव की लेंथ क्या है, 0.25 है। क्या है, 0.25, तो 0.25 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया आपका, चार ही तो आ गया। तो इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वेव नंबर का, 1 बाय में वेवलेंथ बन जाता है। ठीक है भैया, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट क्या होती है, तो पर मीटर होती है, क्या होती है, पर मीटर। ठीक है भैया, समझ गए। फिर आता भैया एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एंगुलर वेव नंबर और प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कांस्टेंट, इसको कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे, होता क्या, ध्यान दीजिएगा। तो गिवन एंगल में कितनी वेव्स आ रही है, समझे, गिवन एंगल में कितनी वेव्स आ रही है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर वेव नंबर। मान लीजिए मैंने कहा 360 डिग्री का एंगल बन गया, तो 360 डिग्री के एंगल कितने कितनी वेव आएंगी, एक ही तो आएगी ना, 360 मतलब 2 पाई का, क्या बन गया, तो 2 पाई में कितनी वेव आती है, एक वेव। मैंने बोला भैया 270 डिग्री का एंगल बन रहा है, 220 डिग्री का एंगल, 720 डिग्री का एंगल बन रखा है, तो कितनी वेव आएंगी, दो। ठीक है भैया, तो यही क्या है भैया, गिवन एंगल में कितनी आपकी वेव्स आ रखी है, या आपको कुल एंगल दे रखा है उसमें कितनी वेव्स आ रखी है, या फिर समझ गए, तो यही हो गया। तो इसी का सिंपल फॉर्मूला लिख दो,
नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव साढ़े हाँ, तो उसी हिसाब से आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है। या फिर इसको ज्यादा इसमें डिटेल में, ये समझ में आ गया ना, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसको लिखते के इक्वल्स टू टू पाई अपॉन में क्या होता है भैया, लैम्डा होता है, ठीक है भैया। यहाँ पर एंगल लेते हैं, यहाँ पर लेंथ ली है, यहाँ पर क्या लेंगे एंगल लेंगे, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं इसको, समझ गए। डेफिनेशन आती नहीं है इसलिए लिखवाई नहीं इसकी, समझ गए। अरे पेपर में क्या थे ओ ठीक है, अच्छा अभी रुक जा, अभी मत फोटो मत ले, अभी रुक जा। अगला आ रहा भैया, अगला टॉपिक है रिलेशन इन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है भैया। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का, देखिए एक मिनट, एक आसान चीज है भैया, वेव ने यहां से तक कितना डिस्टेंस कवर किया भैया, लैम्डा, कितना टाइम लगा, कैपिटल टी सुअर कहीं के, यहाँ पर जीरो टाइम था, इतनी लेंथ को कवर करने में इतना टाइम लग गया। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी, होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में। तो भैया जो वेलोसिटी है उसको, वेव की वेलोसिटी को मैंने क्या ले लिया, अभी क्या ले लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने लैम्डा, कितना टाइम में किया, अच्छा कैपिटल टी में। तो भैया एक रिलेशन ये हो गया, इसी को हम आगे लिखते हैं वेलोसिटी लैम्डा। अच्छा वन बाय में कैपिटल टी है ना, वन बाय में कैपिटल टी क्या होता है भैया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, बहुत ज्यादा यूज होता है ये, ठीक है फटाफट। भैया अगले एक क्वेश्चन है, उसके बाद एनसीईआरटी के, ओए एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। अरे यार हाँ, अरे क्या देखिए भैया क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, कह रहा है हाउ फार डज द साउंड ट्रेवल इन एयर, ठीक है क्वेश्चन है, हाउ फार डज द साउंड साउंड ट्रेवल इन एयर, कह रहा है एयर के अंदर कितना चलेगा अगर इफ इट्स फ्रीक्वेंसी, इफ इट्स फ्रीक्वेंसी बराबर में 256 हर्ट्ज और मेक्स वाइब्रेशन, एंड मेक्स वाइब्रेशन वाइब्रेशन सिक्सटी फोर, कह रहा भैया कि कह रहा है कि ये वेव कितनी चलेगी अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या भैया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया 256 है, और कितनी वाइब्रेशन कर रहा है भैया 64 मीटर, और 64 मीटर में, ठीक है और कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है 320, क्या दे रखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 दे रखा है, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड साउंड इन एयर कितना रखा है भैया 320 मीटर पर सेकंड, आपको इसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस निकालना है, ठीक है भैया। तो इतनी वाइब्रेशन कर रहा है वो, ठीक है भैया, और उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, कह रहा इतनी वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतनी वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक काम करते भैया, हम निकाल देते भैया फ्रीक्वेंसी दे रखा है, स्पीड दे रखी है, वेव लेंथ निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, एक वेव की लेंथ पता लग जाएगी अपने को, अपने को पता है कितनी वेव बन रही है इसमें, तो एक वेव की लेंथ पता लग गई, 64 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 वेव ने जो डिस्टेंस कवर किया वो निकल आएगा, समझ गए। अब देखिए भैया, तो क्या है भैया, नाउ वेवलेंथ ऑफ गिवन वेव, तो भैया वेवलेंथ क्या होता है भैया, तो आपको बता दूं वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी कितनी है 320 और फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया 256, तो ये आ गई इतनी लेंथ होगी एक वेव की, एक वेव की लेंथ कितनी है
तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 64 वाइब्रेशन, डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेवल बाय वेव इन 64 वाइब्रेशन क्या होगा भैया? 64 इंटू में 320 गुणे में 256, तो भैया कितनी बार जाएगा? जाएगा ये देख लेना, इतना मीटर का क्या होगा डिस्टेंस होगा। यही आंसर आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है? करो भाई जल्दी से। ग्रेट, भेज दिया। और भी अगला भी एक अभी है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। पहला निकालना हमें एक खिंची स्ट्रिंग में, दूसरा निकालना हमें सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर, ठीक है भैया। तो चलो भैया निकालते हैं, टॉपिक है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। पहला है, ओए फिटनेस आ रहा है क्या? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पहला भी है, स्ट्रेस्ड स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर निकालना आपको, खिंची स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तब देखिए भैया, ये ध्यान रखना भैया, ये आपकी कोई स्ट्रेस स्ट्रिंग है, हाँ, और इसके ऊपर खिंचाव की वजह से जो टेंशन लग रहा है, खींचोगे तो टेंशन आएगा ना, तो ठीक है, इसके जो टेंशन लग रहा है इसकी खींचने की वजह से, वो टी लग रहा है। क्या लग रहा है? टी लग रहा है। और जो इसके पर यूनिट लेंथ का मास है, मतलब समझे, इसका फुल मास की बात नहीं कर रहा, इसके एक यूनिट लेंथ की मास की बात कर रहा हूं, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या है इसका? मास पर यूनिट लेंथ जो है वो स्मॉल एम है, और स्मॉल एम जो होता है वो टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। यहां से आता है कि लेंथ क्या भी है, एल, ठीक है। जो स्मॉल एम है वो मास पर यूनिट लेंथ है, वो क्या होगा? कुल मास, टोटल मास क्या भी है? टोटल मास क्या है इसका? कैपिटल एम है, ठीक है भैया। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या आएगा भैया? टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ। तो कह रहे हैं जब हम इसमें एनर्जी देंगे ना, एनर्जी एनर्जी देंगे, तो एनर्जी से क्या होगा? वेव बनेगी ऐसे करके, ठीक है, और वेव आगे ट्रेवल करेगी, तो इस ट्रेवल करने की रफ्तार क्या होगी, स्पीड क्या होगी, वो निकाल रहे हैं, समझ गए। तो ये टेंशन इसके अंदर, ठीक है, टेंशन है, टेंशन बोले तो फोर्स क्या है, ये फोर्स है, और ये मास पर यूनिट लेंथ तो आपको पता ही है, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो कह रहा है बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि जो स्पीड आ रही है इसके अंदर वो टेंशन के भी डायरेक्टली है और मास पर यूनिट लेंथ के भी डायरेक्टली है। अब देखिए भैया, ये सॉरी ऑब्जर्वेशन नहीं, बाय डायमेंशन, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, बाय डायमेंशन, डायमेंशन के थ्रू हम ड्राइव कर रहे हैं इसका रिलेशन। तो डायमेंशन कहता है भैया मुझे जरूरत नहीं है कि तू डायरेक्टली है या इनवर्सली है, मैं रिजल्ट अपने आप दे दूंगा। तो मैंने बोला भैया जो वेलोसिटी है इसके अंदर, जो स्पीड आ रही है वेव की, वो दो चीज पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पर। अब किस तरीके से डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली है इनवर्सली है, मुझे इससे मतलब नहीं है, और मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रही है, ठीक है भैया। तो अब देखिए, वैसे मैं आपको समझा सकता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा, ये वैसे डायरेक्टली होगा, ये इनवर्सली होगा। रीजन क्या है भैया कि मान लीजिए टेंशन, आप किसी स्ट्रिंग को बहुत तेजी से खींच दोगे और उसमें एनर्जी दोगे, तो वेव क्या होती है? बड़ी तेजी से चलती है। देखा होगा गिटार की जो एकदम खिंची स्ट्रिंग है उसमें वेव क्या होती है? बहुत तेज जाती है। वेव तेज जाने का मतलब है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। वो स्ट्रिंग क्या होगी? बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये जो एम है ना, स्मॉल एम, अगर ये भारी भारी स्ट्रिंग होगी जिसके पर यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उसके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है? कम होती है, और स्पीड भी क्या होती है वेव की? कम होती है, ठीक है भैया। आपने देखा होगा मोटी गिटार की स्ट्रिंग स्लोली वाइब्रेट करती है, तभी मोटी आवाज पैदा करती है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कंबाइन के कंबाइन करने पर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड
सेकंड तो v इज डायरेक्टली रूट होगा t m हो गया, v इज इक्वल्स में k टाइम्स ऑफ t की पावर a, m की पावर क्या हो गया v, वेलोसिटी का डायमेंशन अपने को पता है lt माइनस 1 होता है, k का कोई डायमेंशन नहीं होता, टेंशन बोले तो फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है m lt माइनस 2 a, और ये मास पर यूनिट लेंथ है यानी m l की पावर माइनस 1 है, m l नीचे पावर, ये क्या हो गया b हो गया, यहां पर आपने देखा m है इधर नहीं है तो m की पावर के लिए 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस वन हो गया, इधर की पावर क्या हो, एम की पावर ए, एम की पावर बी, तो एम की पावर ए प्लस बी, एल की पावर ए है, एल की पावर माइनस बी है, तो एल की पावर ए माइनस बी, और टी की पावर क्या है भैया, माइनस टू ए, तो भैया यहां से यहां पे कैंसिल किया तो हमने देखा भैया कि इन दोनों को बराबर किया, टी से टी बराबर हो गया तो ए की वैल्यू क्या होगी, हाफ, जब अपने को पता है ए की वैल्यू हाफ होगी तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी बराबर में जीरो आ रहा है, तो ए की वैल्यू तो हाफ है, बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ हो जाएगी, क्या होगी, अब ये a और b की वैल्यू अपने को कहां पुट करनी है, इस वाली रिलेशन में, इस वाली इक्वेशन में, देन b इक्वल्स में k t की पावर a, a की वैल्यू क्या रखी है हाफ, और m की पावर क्या भैया, b, b की वैल्यू क्या रखी है भैया, माइनस हाफ, भैया इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लाओ, ठीक है भैया, तो b इक्वल्स में k t की पावर हाफ, m की पावर प्लस हाफ हो जाएगी ना नीचे आके, भैया अब दोनों की पावर हाफ है तो आप लिख दोगे के अंडर रूट में टी अपॉन में एम, यहां पर बता दूं के की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट टी अपॉन में एम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, एक खिंचू स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है भैया, टी क्या है, टेंशन, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है भैया, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला स्ट्रिंग के अंदर है और इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, फटाफट एक मिनट के अंदर कॉपी कर लो, और आप लोग 5 मिनट बाद दोबारा रिकॉर्डिंग को ज्वाइन करना, ठीक है।